प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री आवास के सामने निगमों के टीकाकरण केंद्रों को बंद करने के खिलाफ भाजपा विधायकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका की दूसरी डोज लगनी है और साथ ही 18 साल से अधिक के युवाओं का भी टीकाकरण शुरू हो गया है, जिसके लिए अधिक से अधिक टीकाकरण केंद्रों की जरूरत है। इस स्थिति में केजरीवाल सरकार द्वारा टीकाकरण केंद्रों, खासकर निगमों के केंद्रों को बंद करवाना लोगों के ऊपर प्रतिकूल असर डाल रहा है। लोग टीका के लिए दर दर भटक रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में भाजपा विधायकों में श्री अभय वर्मा, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री जितेंद्र महाजन, श्री अनिल वाजपेयी, श्री अजय महावर, श्री मोहन सिंह बिस्ट, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री नवीन कुमार और प्रदेश प्रवक्ता श्री ब्रजेश राय उपस्थित थे। श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भरपूर मात्रा में टीका देने के बाद भी दिल्ली की सरकार नगर निगम के टीकाकरण केंद्रों को बंद कर ओछी राजनीति कर रही है। निगम पूरे कोरोना काल के दौरान बेहतर काम किया है, उसके बावजूद इस तरह का भेदभाव केजरीवाल सरकार की निम्न स्तरीय राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा लगभग 250 जगहों पर टीकाकरण केंद्र खोलने के लिए जगह सुनिश्चित की गई थी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को टीका लग सके और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन नए केंद्र खोलने की बात तो दूर, जो पुराने और सुचारू रूप से केंद्र सेवा दे रहे थे उन्हें भी बंद करने का काम शुरू कर दिया गया। केजरीवाल सरकार के बिना कोई कारण बताए पिछले दो दिनों में निगम के काम कर रहे 147 केंद्रों में 45 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमारे विधायक दल के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी और विधायक गणों के साथ यहां पर दिल्ली नगर निगम के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जाने के विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मदद के कारण दिल्ली में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। 4.5 लाख वैक्सीन दिल्ली के अंदर है और केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर्स दिल्ली नगर निगम द्वारा जो चलाए जा रहे थे लगभग 1.25 लाख सेंटर वो बंद करने की तैयारी की है। निगम ने और भी 1.25 लाख सेंटर चलाने के लिए उनको कहा था, लेकिन दिल्ली नगर निगम जहां वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे और जो आज वैक्सीनेशन ही एकमात्र कोरोना से रक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इसको सही तरीके से दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया। जबकि वो एक तरफ कह रहे थे जब वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा तो हम हर घर घर में वैक्सीनेशन कराएंगे, लेकिन उसके उल्टा आज निगम के वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर देना और इसकी वजह से जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं जो दूसरी डोज लगवाना चाहते हैं वो दर दर भटक रहे हैं कि हम कहाँ लगवाएं। दिल्ली सरकार के द्वारा ये कोरोना की लड़ाई में ये काम में विफल होना आज दिल्ली के लोग परेशान हैं।